हेलो नमस्कार, मेरे नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको उसी संस्था में पुनः नियुक्त किया जाएगा, यथावत रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। ठीक है, और अतिथि शिक्षकों की 50% आरक्षण को लेकर असमंजस बना हुआ है कि इनको 50% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूरी अपडेट जारी कर दी गई है। किस तरीके से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, किस आधार पर की जानी है, और पुराने अतिथि शिक्षकों को यथावत रखने के संबंध में भी आदेश जारी किया गया है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ, लाइव वार्ता एक दिखाने वाला हूँ आपको। सचिव हम अतिथि शिक्षक संघ के, इनने क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, 50% आरक्षण को लेकर। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी अपडेट पाने के लिए। आज दिन भर के इंतजार के बाद डीपीआई के दो अधिकारियों से मुलाकात हुई। संचालक सर त्रिवेदी जी और पीके सिंह जी जो उप संचालक हैं, वर्तमान में इन्हें अतिथि शिक्षक संबंधित समस्त कार्यों को सौंपा गया है। दोनों के बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जवाब मिला, जो काफी दुखी करने वाली वाले बात थी। एक तरफ ये दिखाते हैं कि हमें बच्चों की बहुत फिक्र है, दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में जो स्कूल अंदर हैं, गांव खेड़ों में हैं, वहां शिक्षकों की कितनी कमी है, इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आज हमने नियुक्ति संबंधी ईकेवाईसी अनुभव के अंक, बहुत सारी चीजों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास किया। माननीय संचालक महोदय का जो जवाब था कि हम हर वर्ष आप लोगों की नियुक्ति 5 अगस्त के बाद करते हैं, जब उनसे मैंने कहा नहीं सर, पिछले वर्ष जो पूर्व में कार्यरत थे उनकी नियुक्ति 12 जुलाई से हो गई थी और जो नई भर्ती हुई थी उनकी नियुक्ति 18 जुलाई से हुई थी, जिस पर उन्होंने भड़कते हुए कहा कि तुम मुझे मत पढ़ाओ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको पता नहीं होगा, तुमको ज़्यादा पता है। मैंने फिर भी उनसे बहस की इस बात को लेकर कि भाई आप आदेश देख लो, मैं आपको आदेश दे देता हूँ। 5 जुलाई को आदेश हुआ था कि 12 जुलाई से नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और वो आदेश मेरे पास रखा भी हुआ है। पहले तो वो आनाकानी करते रहे, नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पता है कि आपकी नियुक्ति 5 जुलाई के बाद हुआ था। काफी बहस करने के बाद अंत में उन्होंने माना कि हाँ शायद हुआ होगा पिछले वर्ष, हम मानते हैं, लेकिन इस वर्ष हम आपकी ज्वाइनिंग अगस्त में ही करवा पाएंगे। कुल मिलाकर के ये कहिए कि अगले सप्ताह में आप लोगों के आदेश आने संभव है, इस हफ्ते में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी न्यूज सही नहीं निकल रही है, देखो भाई मैं भी आप लोगों से वही बोलता हूं जो मुझे बताया जाता है। इसके पहले ही यही अधिकारी क्या बोल रहे थे, बस अब आदेश आने वाला है, इस तरह को नियुक्ति कर लेंगे, ऐसा हो रहा है, स्कोर कार्ड चेंज कर रहे हैं, और बाद में क्या हुआ, स्कोर कार्ड में चेंज हुए, 10 दिन तक स्कोर कार्ड बंद रखा और जब बारी आई स्कोर कार्ड की देखने की तो उसमें क्या निकला, कुछ भी नहीं। आज भी स्कोर कार्ड में परिवर्तन को लेकर के मैंने कहा सर आप लोगों ने कहा था कि हम बहुत जल्द आप लोगों को बोनस अंक देंगे, साल के हिसाब से आपके अनुभव के अंक जोड़ेंगे, क्योंकि 2018 में जिन लोगों ने कार्य किया था लगभग 72 दिन, उनको आपने 25 अंक दिए थे, ये सही बात है, और इसके बाद या उसके पहले वालों को एक भी अंक नहीं मिले। हाल ही में जो हमारी मीटिंग माननीय जो पूर्व संचालक सर थे हमारे, जिनका पास हमारा पूरा विभाग पहले था, डीएस कुशवाहा जी, उन्होंने कहा था कि हम आपकी नियुक्ति से पहले आपके स्कोर कार्ड में 20 वार्षिक, यह नहीं कहा कितने अंक जोड़ेंगे पर वार्षिक अंक जोड़ करके हम देंगे। और ये मैं बस नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ये बात कई अतिथि शिक्षकों के सामने बोली गई थी। बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, अपने नियम बना रहे हो,
मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे सामने नहीं, हम लोग जब ज्ञापन देने गए थे जिस दिन साजापुर की टीम आई थी, तो साजापुर वालों के सामने ये बात मैडम ने कही थी कि हम आप लोगों को वार्षिक अंक का लाभ दे रहे हैं, इसीलिए आपके स्कोर कार्ड को हमने बंद कर दिया है। इसी उम्मीद में हम लोग भी देखिए यार वार्षिक अंक मिल जाएंगे, हमारे पुराने साथियों को लाभ मिल जाएगा। बाद में जब स्कोर कार्ड जारी हुए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बल्कि जिनके स्कोर कार्ड में 25 अंक जुड़े हुए थे वो अंक भी खत्म कर दिए गए। लगभग जो पुराने शिक्षक थे उनके स्कोर कार्ड में 25 अंक दिए गए थे 2018-19 के सत्र के हिसाब से, और जब नए स्कोर कार्ड निकले बेचारों के वो भी खत्म कर दिए गए। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके 25 अंक खत्म कर दिए गए। अब हमारे एक बात समझ में ये नहीं आती कि आप अधिकारी हो, आपके पास संपूर्ण जानकारी रहती है, आपके पास पूरी फाइल, आपको आदेश है। अरे आपके होंगे बहुत लोग हट गए यार, दिन भर मुझे फोन आ रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि सबके हट गए, मैंने कहा कुछ लोगों के हट गए, मेरे ही बचे हुए हैं 25 साल। तो आप ऐसी बातें करोगे यार हमको जानकारी, आज EKYC को मैंने बात किया कि सर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जिनके EKYC अपने आप अनलॉक हो गई है, बेचारे स्कोर कार्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, पैनल में उनका नाम नहीं ऐड हो पा रहा है, तो क्या बोलते हैं ये EKYC क्या होती है, ये तो प्रिंसिपल करते हैं, आपसे इससे क्या मतलब। अरे भाई उनको जब मैंने बार बार समझाया उनको कि भाई EKYC हम सदाई करते हैं, तब भी क्या बोलते हैं EKYC मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में बताओ, जो भी होना वो भी भूल जाएगा। ये कितने शर्म की बात है कि आप इतने जिम्मेदारी पद में बैठे हुए हो और इसके बाद ये जवाब दे रहे हो। कई बार मैंने उनसे कई चीजों को लेकर बात करने का प्रयास किया, पैनल में बहुत सारे लोगों का नाम हट गया है, पैनल में नाम नहीं ऐड हो पा रहे हैं, प्रिंसिपल अपने मन से वैकेंसी निकाल के भर्ती कर रहे हैं, पुरानों को मौका नहीं दे रहे हैं। यार इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मुझे हमने फाइल भेज दी है शासन को, जब हमें आदेश आएगा तो हम बताएंगे आपको। और ज्यादा बहस करो, बहस कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मतलब बिल्कुल चिढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब एक बात तो उनकी है कि आप खुद गलती कर रहे हो, अगर आपसे हम सवाल कर रहे हैं तो आप खुद भी हमें गलत साबित करते हो। अरे हम आपसे बहस करने नहीं आते, हमारे हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों घर चलता है, इसलिए हम आपके पास रोज बहस करने आते हैं। हमें कोई शोक नहीं लगी है कि हम अपना काम छोड़ के आपके पास बहस करने आए। ये आपको लगता है कि हम बहस करने आए हैं, ये हमें पता है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमने 30% को लेकर की बहस की, 30% को क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबे जिम्मेदारी कैसे हमारी है, जब आप हमें स्कूल भी टाइम से नहीं बुलाओ तो हम जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे। आप हमें नियुक्त करोगे अगस्त में, तब तक में आधा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर कहोगे नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो, अभी प्रमोशन कर रहे हो, लगभग आप 30,000 पदों पर प्रमोशन करने की बात कर रहे हो, इसके बाद आप 1 तारीख से ट्रांसफर की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं सर को आपको अनुबंध देने वाले, इसलिए आपकी नियुक्ति लेट कर रहे हैं। पर एक सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आप कब तक ये करते रहोगे, अब तक क्या कर रहे थे आप बैठ के। अभी भी उन्होंने श्योरली जवाब नहीं दिया कि आदेश हम कब जारी करेंगे। कुल मिलाकर के ये मानिए कि आपके आदेश हमने 20 तक उम्मीद किया, पहले तो 15 उन्होंने कहा, 10 कहा, 15 कहा, 20 कहा, अब क्या बोला उन्होंने, आप 1 हफ्ते के बाद मिलना मुझे अगर आदेश नहीं आता। कल प्रयास रहेगा मेरा बल्लभ भवन जाने का, कि बल्लभ भवन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका गाना एक ही गाना है कि बल्लभ भवन से आदेश नहीं आ रहा है, बल्लभ भवन को हमने फाइल भेजी है, वहां से हमको स्वीकृति मिल जाए तो हम आपके आदेश जारी करें। बहुत दुख होता है जब एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए अधिकारी इस तरह की बात करते हैं। वैसे भी वहां पे जो दो तीन मैडम मैं बता चुका हूँ, वो तो ऐसी बात करते हैं कि हम किसी को रखेंगे नहीं, तुम तो हट जाओ, बाहर हो जाओ, हम सबको बाहर कर देंगे, ये सबकी बात का राज हो। और इतने में जिम्मेदार अधिकारी जब इस तरह बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या हुआ महापंचायत, हमें थोड़े महापंचायत करवाई थी, इस तरह का जवाब देते हैं तो फिर लगता तो बहुत कुछ है पर मजबूर है इंसान, कुछ कर नहीं सकता।
क्योंकि हम अपने साथियों से ही हारेंगे। अभी वर्ग एक मतलब कुल मिला के अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो ये प्रमोशन कर रहे हैं, फिर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, फिर 1 तारीख से बोल रहे हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे, सितंबर अगस्त सितंबर में हम वर्ग एक की भर्ती भी करेंगे। तो आप टाइम से कर लो, ये शासन के सामने बहुत अच्छा बनने के चक्कर में हम लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं कि हम आप लोगों का पैसा बचाएंगे, लाडली बहनाओं को दे देंगे वही पैसा जो पैसा बचेगा आपका। सोचिए एक अर्थी शिक्षक एक महीने की पेमेंट 10,000 रुपए होती है, वर्ग तीन की 2 की 14,000 रुपए होती है, एक के 18,000 रुपए, मतलब ये मान लो कि इनने करोड़ों रुपए बचा लिए आपको बाहर करके। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, अब ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। हाँ एक बात इतना जरूर होने का है कि जो पुराने कार्यरत वो बाहर नहीं होंगे किसी भी हालत में, चाहे वो डीएड बीएड किए हुए हो चाहे वो डीएड बीएड ना किए हुए हो, ये जरूर एक चिंता वाली बात नहीं है साथियों के लिए। जो पहले से काम कर रहे हैं वो कार्य करते रहेंगे, वो बाहर नहीं होंगे ये जरूर है, लेकिन कौन बचेगा? लगातार पद भरते जा रहे हैं, जिसको देखो जहां देखो डेली फोन आ रहे हैं, सर हमारे यहाँ पे टीचर आ गया, डेली पद भर रहे हैं, बचेगा कौन? पुराना आप पूरा खत्म कर दोगे पुराना को, बचेगा नया? तब नए पद बन जाएंगे, आप हमको अनुभव के अंक नहीं दे रहे हो, हम ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। जो नॉन डीएड बीएड वाले हैं वो बेचारे वैसे ही बाहर हो जाएंगे। प्रयास यही है कि जो कुछ जानकारी आप लोगों को मिल पाए। भाई एक बात और मैं बता रहा हूं, बाद में बहुत सारे लोग बहुत फालतू कमेंट करते हो और मुझे बदतमीज बनने पर मजबूर मत करो। आप बुरा बोलो अच्छा बोलो, मेरे बातों पे गलत कमेंट करो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आप अपनी भाषा, आप शिक्षक हो, शिक्षक की मर्यादा में रहो। और वही लोग जो जो फालतू कमेंट करते बाद में मुझसे कॉल करके कहते हैं सर मेरी हेल्प कर दो, मतलब खुद शेयर भी बनना है और बाद में हेल्प भी मांगना है। मैंने आप लोगों से एक बात और बोली थी डीएड के लिए, मेरे पास 10 सीट डीएड की है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं मेरे पास 10 सीट है डीएड की। उसमें वही लोग संपर्क करें जिनको कहीं कॉलेज ना मिल रही हो, जिनको कॉलेज मिल रही है कि आपके पास परसेंटेज अच्छे हैं आपको कॉलेज मिल जाएगी, तो आप लोग कृपया कर परेशान मत हो। वो लोग संपर्क करें जिनको कहीं कॉलेज ना मिल रही हो, 10 सीट मेरे पास है, भोपाल की कॉलेज है बता दूं मैं आप लोगों को, थोड़ा फीस ज़्यादा लगेगी, पर ऐसे लोग ही संपर्क करना जिनको कहीं भी कॉलेज में सीट ना मिल पाए, उन लोगों का मैं 10 लोगों का मैं वहाँ डीएड में करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 10 सीट मिली है मुझे और उसमें आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस से मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे लोग ही डीएड के संपर्क करें जिन लोगों को आवश्यकता है कॉलेज की, बाकी जिनके परसेंटेज अच्छे हैं उनको कॉलेज मिल सकता है, तो वो लोग परेशान ना हो कृपया करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जिनके परसेंटेज अच्छे हैं 12वीं में, उनको डीएड के लिए वो मिल जाएगा। और आप लोग जरूर ध्यान रख लो कि भाई आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि आप लोग हर हाल में डीएड करो, क्योंकि बिना डीएड बीएड करे कब तक आप बचोगे? क्योंकि हर बार से वो ट्रांसफर करेंगे, उच्च पद प्रभार देंगे, तो आप बाहर होते जाओगे और आप डीएड नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगा। तो आप लोगों से अनुरोध मेरा बार बार यही है कि आप लोग डीएड करो। और वर्ग 2 की परीक्षा भी अभी अगस्त में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट वीक में, तो जो लोग जिनके नंबर 60 नंबर से अधिक हैं और 75 से कम है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और जनरल वाले जिनके 75 से अधिक है 90 से कम है, वो लोग जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को फिल कर सकते हो, आप उस लिंक के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हो। और जिनको भी कोर्ट केस में जुड़ना हो कि जैसे वर्ग 1 वालों ने किया था, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो, उम्मीद है कि वहाँ से आप लोगों को पेपर देने का मौका जरूर मिलेगा। आदेश का मान लो कि आप एक नेक्स्ट वीक का बोल रहे हैं, वो कि उनने ये कहा कि 7 दिन बाद मुझसे मिलना, यानी कि 7 दिन बहुत बाद वो करना ही करना है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी इच्छा अभिलाष जी, आपको जो करना हो डीएड करो या बीएड करो। प्रकाश पांडा जी, मेरे लगने लगने से क्या होता है? जो करना है जो सरकार कर रही है वो कर रही है, हमारा काम जो है वो कर रहे हैं, हम एक बार हम अपना प्रयास कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, हमको ये इससे मतलब नहीं है कि सरकार कर रही है कि कौन कर रहा है, करेगी, उम्मीद है जो कर सकते हैं जो अपनी हिम्मत है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा सत्यम जी, आप बात करिए, बिल्कुल हम आएंगे, जब आप बुलाओगे तब हम जरूर आएंगे।
रोहित जी आप संपर्क करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ये गूगल फॉर्म की, आप उसे फिल कर सकते हो। जो भी लोग ऐसे हैं जिनका 60 नंबर से अधिक है EWS STSC OBC वो लोग, और जो लोग जिन लोगों का जनरल में 75 से अधिक है वो लोग गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हाँ एक बात और है, जिनके 25 नंबर हट गए हैं, सर ने बोला था आज कि जिनके हट गए 25 नंबर, अभी तो बोल रहे हैं कि हम भारतीय अंधों की बात कर रहे हैं, अभी हमारी उच्च अधिकारियों से बात चल रही है, पर मुझे अब उम्मीद नहीं लगती, पर वो कह रहे हैं तो मान रहे हैं। पर हम आप लोग एक काम करिए, जिनका 25 नंबर हट गए हैं तो आप लोग आवेदन बना बना करके कल तक में जरूर मुझे भेज दीजिए कि हमारे 25 नंबर हटा दिए गए हैं स्कोर कार्ड से, जिनके स्कोर कार्ड में 25 नंबर थे, तो आप लोग वो भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 25 अंक स्कोर कार्ड में जुड़ जाए वापस से। नेक्स्ट वीक का उम्मीद है, उन्होंने कह दिया है कि नेक्स्ट वीक ही आपका उम्मीद है कि